सिक्किम स्टेट सीएम पीएस गोले तमंग जो हम लोग दिल्ली में G20 के टाइम में राष्ट्रपति भवन में उनके साथ मिले थे। तो जब हम लोग को पता था जो आज दार्जिलिंग में आएंगे, महाकाल बाबा के पास आपने क्या मांगा सर? नहीं, विशेष रूप से मैं महाकाल बाबा का दर्शन करके मैं सिक्किम और सिक्किम वासी को एक शांता हो, अच्छा हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा सर। कांग्रेचुलेशन आपकी RDR, बिकॉज आप सेकंड टाइम सियासत में आ रहे हैं और एग्जिट पोल में ये दिखा रहा है, लेकिन सीट आप लोगों ने जो 32 का 32 बोला था वो नहीं हो पा रहा है, कुछ काम आ रहा है, उसमें कुछ खेद है सर आपका? नहीं, ऐसा है, जो हम लोग ने जो 2019 में सिक्किम में जनता ने हमको जो मैंडेट दिया था उसी मैंडेट के हिसाब से हम लोग ने काम किया है, जो जितना भी वादे किए थे हम लोग ने पूरे किए। और इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें हमारा जनता ने वोटर्स ने क्या किया उसको मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि अभी तो EVM में बंद है जी सर। तो जो भी होगा उसमें हम लोग खुश। लास्ट क्वेश्चन सर, G20 की एक डेलीगेशन टीम ब्राजील से, जो टीम से आप लोग के स्टेट में कल हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में जहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन लेकर टूरिज्म G20 इवेंट हुआ था 4 डेस्टिनेशन में, फर्स्ट हुआ था आपकी, सेकंड दार्जिलिंग में। तो हम लोग ऑलरेडी दार्जिलिंग में आ चुके हैं, लेकिन आपके पास G20 के लेकर ब्राजील में सिक्किम के लिए क्या मैसेज रहेंगे? विशेष रूप से सिक्किम एक ऐसा सुंदर राज्य है जो भारत के एक 2200 राज्य है, सुंदर राज्य है और शांत राज्य है और बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ सिक्किम के लिए जितना भी जो एक्सपेक्टेशन है, सिक्किम सब वर्ल्ड से टूरिस्ट आए और घूम के जाए, क्योंकि सिक्किम इज ए पीसफुल स्टेट। तो इस बार जो आपने देखा है चुनाव में सबसे पीसफुल चुनाव हुआ है, इलेक्शन भी हुआ है। इसलिए मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब देशवासी और जितना भी बाहर बैठे हुए, जितना विश्व में बैठे हुए सब टूरिस्ट को सिक्किम आके एक बार जाइए। थैंक यू सो मच सर। देख।